audio jungle. खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मक्कासर गांव व आसपास के क्षेत्र में चल रहे नशे के कारोबार और जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट के विरोध में सोमवार को जनता का रोष फूट पड़ा। मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह व पंच राकेश मेघवाल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में माकपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सूरतगढ़ रोड पर गाँव मक्कासर के पास का जाम किया। करीब एक घंटे जाम के दौरान मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर निकलवाया। आपको बता दें कि गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर मक्कासर से जंक्शन थाने पहुंचे, जहां का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। वहां तैनात पुलिस जब्ते को भी प्रदर्शनकारियों को संभालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3-4 अन्य आरोपी राउंड अप किए गए हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने और नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया गया। गौरतलब है कि गांव मक्कासर व आसपास के इलाके में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने करीब एक महीने पहले एसपी को ज्ञापन दिया था। प्रतिनिधिमंडल मक्कासर सरपंच बलदेव मक्कासर भी शामिल थे। आरोप है कि इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने 18 अगस्त को रात सरपंच बलदेव मक्कासर और पंच राकेश पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया गया। घटना का पता लगने के बाद से लोगों में रोष था। आज यही रोष चक्के जाम और थाने का घेराव के रूप में फूट पड़ा। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जांच में पुलिस के अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो और व्यवस्था विभाग से जुड़े इस मामले के आरोपी को जल्द गिरफ्तारी हो, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। जंगो करे वा चक्का जाम। चक्का जाम जी देखो दारू वाला वो जुआ करे पांगो खत्म ही होना चाहिए। छोटी सी के हैं और क्या कुछ जिंदगी को सुधार होना चाहिए। हैं देखो क्या जनता आई है तो सुधार बात चाहिए। हैं जिंदगी को सुधार करना है तो अठे करो, नहीं तो आज कुत्ता भोंके जो भोंको बनाई। हैं आज यहां पुलिस वाला पकड़ क्यों नहीं रहे। हैं पुलिस वाले देखो आपकी हुक्म चलाते हैं। जब लाल डंडो ना हो पुलिस खाना है तो जनता अच्छा मंदा मार के हाथ कौन धोए और लाल डंडे को डर है। और भाई आदमी अपने पर गई है, भाई अपने पर गई है, अपन वो लाल डंडो है ना थोड़ा सो मांगो दबो है हैं मांगो ये और की कोनी तो नसोई को बिकाय बंद क्यों कोनी हो रहा है। नसोइया है क्या देखो ए लाल डंडा वाला नहीं आई नसो बंद करेगा। अर जबकि जनता इकट्ठी हुई है, ए सुधार बात इकट्ठी हुई है, जे आऊ ना सुधार होए तो वही कौन हैं। मारा नाम शांति है जी। और हमारे वार्ड पंच है राकेश कुमार, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और पुलिस प्रशासन को भी हमने पहले भी अवगत करा दिया, दोबारा फिर से अवगत करवा रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने मक्कासर गांव के नागरिकों ने एक घंटे के लिए यहां पे चक्का जाम किया, अभी सारा गांव वहां पे रोस मार्च निकालेगा, पैदल यात्रा निकालेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस तक। ये एक शुरुआत है। अगर उन अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और गाँव में जो और भी नशा बेचते हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस काम के अंदर सारा गाँव एकजुट है और गाँव का हर नागरिक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस सरपंच और हमारे जो वार्ड पंच है इसको न्याय दिलाने के लिए एकजुटता है। अगर ये हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी, उनका कहना हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और अन्य के लिए दबिश दी जा रही है। जी बिल्कुल सही है, दबिश भी दे रहे हैं। गाँव में भी जो नशे के कारोबारी थे जो लड़के थे उनको भी उनको पकड़ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जो अपराधी मेन अपराधी जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए और उनको पकड़ो, जिससे ये गांव में भी अमन चैन और भाईचारा बना रहे और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गांव के जनप्रतिनिधि पे सरपंच गांव का मान सम्मान होता है, उसे गांव के लोग चुन के भेजते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं है, वो हमारी आन बान और शान का सवाल है, मक्कासर गांव की इज्जत का सवाल है। ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच और वार्ड मेंबर के साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध में जो प्रकरण दर्ज है उसमें मूल्यवान की तलाश लगातार की जा रही है और अनुसंधान श्रीमान शिव साहब देवानंद जी द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा अभी तक एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, बाकी नामजद मुलजिमान हैं, कईयों को दस्तयाब किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और शेष जो रहे हैं उनके लिए टीमें गठित की गई और लगातार दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आज क्या आश्वासन दिया गया आपके? आज कॉमरेड रामेश्वर जी वर्मा और रघुवीर जी और अन्य तथा ग्रामवासी मक्कासर द्वारा जो थाने का घेराव किया गया
उसमें उनकी मांग थी कि शिकारी जो मुलजिम हैं, दोषी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, तो उनको यही आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए।